हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फास्ट हेयर ग्रोथ हेयर ऑयल। इसके लिए हमें चाहिए गुड़हल, करी लीव, मेथी और ये नीम लीव। फिर फ्लेम ऑन करके ये पैन रख देंगे और इसको धीमा कर देंगे। और हमें चाहिए कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को हम मेज़र कर लेंगे। इसको हम पैन में डालेंगे। और चाहिए हमें कैस्टर ऑयल। ऑयल कैस्टर ऑयल आधा ही डालेंगे। और हम इतना ही बनाएंगे क्योंकि नेक्स्ट मंथ से हो सकता है सर्दी आ जाए और ये जमना स्टार्ट हो जाए, तो हमें उससे पहले से ख़त्म करना है, तो ज़्यादा बना के नहीं रखना है। सारा ये जितना फूल है इस पर भी नहीं है, ये धीरे धीरे पक रहा है, इसको थोड़ा सा चला देंगे। आँच तेज नहीं करना है, जितना धीमे धीमे ये पकेगा उतना ही, जितना सारा सामान इसमें जो भी पड़ा है, नीम, गुड़हल, करी लीव, इसके बेनिफिट इसमें आएंगे। इसको 10 मिनट हल्की आँच में ही पकाएंगे। 10 मिनट के बाद, 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए सारा झाग ख़त्म हो गया है, ऑयल हमारा रेडी है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ना हम इसे सारा छान लेंगे। हमारा हेयर ऑयल रेडी। अब इसको हफ्ते में ना 2 बार यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें, रात में लगाएं और सुबह से धो लें। और शैम्पू जब भी यूज़ करें ना, शैम्पू को हमेशा डाइल्यूट करना है। शैम्पू को हमेशा मुल्तानी मिट्टी, राइस वाटर या जो भी आपको अच्छा लगता है उस वाटर में उसे डाइल्यूट करके ही हेयर वॉश करें। शैम्पू कोई भी हो, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन शैम्पू जब भी यूज़ करना है तो उसे डाइल्यूट करना है। इससे आपकी सारी समस्या बालों की सही हो जाएगी। आई होप मैंने भी इसे यूज़ किया और मुझे इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। फ्रेंड आप भी यूज़ करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।